सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ज्वेलरी जो मैंने परचेज की है अमेज़न से, तो वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना कोई फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जवेरी पर्ल्स का ये नेकलेस। सो ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छे से स्टेडी पैकिंग में आई है। इसमें जो ज्वेलरी है वो कुछ इस तरीके से है, सिल्वर ज्वेलरी है। सो ये अगर आप वन पीस वगैरह पहनते हो, गाउन वगैरह पहनते हो, उसमें ये काफी डेलिकेट सी और काफी ब्यूटीफुल लगने वाली है। सो ये इस तरीके की ज्वेलरी है, बहुत ही स्टडी। इसकी जो डायमंड्स है बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये इतना डेलिकेट और इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी बहुत आया है। सो लेट मी शो यू कि ये कैसा दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, लाइक बहुत अच्छा दिख रहा है। सो या दिस वॉज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा नेक पीस है। दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड जवेरी पर्ल्स और ये कुछ इसका इस तरीके से नेक पीस है। सो ये इस तरीके से चोकर सेट है, लेट मी शो यू। ये देखिए काफी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल सेट है। इसमें वर्क की बात करूं, यहाँ पे मोती की बीट्स दी गई है, बहुत ही बारीक मोती विथ वाइट एंड ग्रीन कलर। एंड यहाँ पे गोल्डन वर्क दिया है डायमंड डिटेलिंग के साथ एंड ग्रीन और व्हाइट कलर का डायमंड स्टोन्स दिया गया है। एंड नीचे एक ब्लू लाइक पाउडर ब्लू कलर का लटकन्स दिए गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। इसके साथ इयररिंग्स है और फिंगर रिंग भी है एक सेम मैचिंग में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है। सो दिस वॉज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है इन सब परचेज में से, लाइक बहुत ब्यूटीफुल है। सो दिस इज अगेन फ्रॉम जवेरी पर्ल्स। मैं आपको पता है कि जवेरी पर्ल्स के नेकलेस जो होते हैं वो रीजनेबल भी होते हैं और साथ ही साथ हेवी भी होते हैं, लाइक बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं, फिनिशिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो या दिस इज द नेक्स्ट वन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कुछ इस तरीके का चोकर सेट है, बहुत ही रिच क्वालिटी का है, लाइक यहाँ पे एक जरदोसी का वर्क दिया गया है, जरदोसी वाला, देन यहाँ पे मोती दिया गया है, देन अगेन जरदोसी, एंड ये एक गोल्डन पेंडल विद बिग डायमंड और साइड में छोटे छोटे डायमंड्स दिए गए हैं। और इस तरीके से ये पूरा सेट कंप्लीट होता है, लेट मी शो यू। सो ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, लाइक बहुत ही हैवी लुक क्रिएट करेगा। कोई भी साड़ी ड्रेस किसी के साथ भी आप पेयर आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट है। इसके साथ इयररिंग्स और फिंगर रिंग दोनों ही दी गई है, सेम तीनों भी सेम है, लाइक ये दो इयररिंग्स है और ये मिडल वाला फिंगर रिंग है, तीनों ही सेम है, बहुत ब्यूटीफुल है ये भी। सो या दिस वॉज द नेक्स्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट इज ये एक छोटा सा सेट लिया है मैंने अगेन फ्रॉम जवेरी पर्ल्स। सो ये मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट ये मुझे ओके लगा, लाइक इसकी क्वालिटी भी इतनी भी अच्छी नहीं लगी एंड कलर भी जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है एंड काफ़ी छोटा भी है, तो मुझे ओवरऑल ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आई विल नॉट कीप इट, लाइक मैं ये इसे रिटर्न कर दूंगी। तो ये इस तरीके का पर्ल मोती वाला सेट है पिंक कलर में। ये जो पिंक कलर यहाँ पे दिया गया और जो डिस्प्ले पे शो हो रहा था वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग लग रहा था, यहाँ पे मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा। एंड बहुत छोटा भी है, लाइक जिनके लॉन्ग नेक्स है, लाइक बड़े नेक्स है, उनको ये सूट भी नहीं करेगा। डिपेंड करता है, नेक साइज भी अलग अलग होती है तो उस पर भी डिपेंड करता है ना, तो उन पर ये सूट भी नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है। सो लेट मी शो यू कि वेयर करके दिखा देते हो। इसकी स्ट्रिंग्स बहुत लंबी है बट ये आगे से बहुत छोटा है, मुझे इतना खास नहीं लगा। ये देखिए, सो ये इस तरीके से है, दिखता अच्छा है, ये यहाँ तक ही आता है, दिख रहा अच्छा है, लेकिन ये कलर
मुझे नहीं चाहिए था, लाइक ये कलर बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना मैच नहीं होता है, लाइक सारे कपड़ों के साथ मैच नहीं करेगा तो इतना यूज भी नहीं आएगा। इसके साथ भी आपको इयररिंग्स मिलता है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी। इस तरीके की इयररिंग्स मिलते हैं, लेकिन इसकी भी क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये ना स्टोन इसके गिर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो इसीलिए वर्थ इट नहीं लगा। हालांकि सस्ता ही था, लेकिन फिर भी मुझे वर्थ इट नहीं लगा। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। लाइक अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो बिस, नो डाउट। मैं लिंक सारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूंगी, तो अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मुझे अगर पूछो तो ये ओके ओके है। जो लास्ट पीस है वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। लाइक मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा है। इसकी पैकिंग मुझे खास अच्छी नहीं लगी, लाइक ये बबल रैप पे आया और बस जस्ट इस तरीके की पैकिंग है। जिस तरीके का ये सेट है, पैकिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी, बट नेवर माइंड, हमें एक्चुअल प्रोडक्ट से मतलब होता है, तो लेट्स सी। सो ये अगेन एक चोकर सेट है, बहुत ही राजा महाराजा टाइप फीलिंग आती है, बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही रिच फीलिंग दे रही है। सो ये इस तरीके का चोकर सेट है, बहुत ही हैवी लुक देगी ये आपको, ट्रस्ट मी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पिंक वाइट कलर एंड गोल्डन में ये है। बीच में ये जो इसका ये सेट है, ये इस तरीके का स्टिफ है, मतलब लाइक लूज नहीं है, स्टिफ वाला फॉर्म में है। एंड नीचे तीन चार चार पर्ल्स दिए है पिंक कलर में। यहाँ पे मोती दी गई है वाइट कलर में और पिंक कलर में, पिंक थोड़ा थोड़ा बीच में गैपिंग देके दिया गया है, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है। एंड पिंक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बहुत सारे कपड़ों पे के साथ मैच कर लेता है। तो ओवरऑल आई लाइक दिस। ये इस तरीके का चोकर सेट है, ये इस तरीके से इयररिंग्स दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी। दैट वॉज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ न्यू हो मेरे चैनल पे तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। टिल देन टेक केयर, बाय।